हेलो फ्रेंड्स, 15 अगस्त आ रहा है, उसके लिए हम कॉटन का दुपट्टा प्रिपेयर करेंगे। तो वही फ्लैग वाले कलर लेंगे, ऑरेंज एंड ग्रीन, बेस वाइट है। वही वायल का दुपट्टा लिया है मैंने। तो एक हम ये दुपट्टे को हमने ऐसे फोल्ड कर लिया पहले से, और इसके बाद हम पानी में डिप करेंगे ताकि वो पूरा दुपट्टा हमारा भीग जाए और कलर जो है इक्वली उसमें स्प्रेड हो सके। कोई भी जो हम टाई एंड डाई का काम करते हैं तो प्रेफर करते हैं कि पहले हम उसे भिगो लें, और अगर कोई हमें हैंकी वगैरह बनाना है तो कई बार डायरेक्ट कलर भी लगा देते हैं डाइल्यूट करके। तो ये मैंने एक पाइप ले लिया पीवीसी का, आपके पास ऐसी स्ट्रिंग हो आप वो भी ले सकते हैं। ये देखिए डबल करके दुपट्टा लेंथ वाइज डबल की है, तो उसे अब हम पीवीसी के पाइप पर स्ट्रेट लपेटेंगे। ये लंबा पाइप है मेरे पास, थोड़ा दुपट्टे की विड्थ से आस पास ही है। आप ये नायलॉन की रस्सी जो होती है ना सामान बांधने वाली, उस पर भी लपेट सकते हैं। तो इसे हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सीधा ही रहे, ये थोड़ा टेढ़ा था तो सीधा कर लिया मैंने इसको। फिर आप रोल करते जाएंगे, ये हमने रोल कर लिया दुपट्टा सारा। मैंने इसमें जो है दुपट्टे के एजेस जो हैं वो बाहर की साइड हैं, फोल्डेड पोर्शन अंदर है। तो इसमें हमारे किनारे डार्क रहेंगे जो पल्ले हैं, और बीच में लाइट रहेगा कलर, क्योंकि वो अंदर आ गया तो अंदर कलर कम एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हम धागा ले लेंगे, ये मज़बूत वाला, ये स्टेशनरी की शॉप पर ही मिल जाता है, और कई बार कच्चा होता है तो तब भी नॉट्स बांध बांध के चलाना पड़ता है हमें। तो इस थ्रेड को बांधने से क्या होगा कि डार्क कलर जो है उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं पे लाइनें दिखेंगी, है ना, और ऊपर की साइड लाइन ज़्यादा दिखेंगी। ये थ्रेड हम राइट से लेफ़्ट करते हुए, लेफ़्ट से राइट 3-4 बार ही हम अपने इस दुपट्टे पे लपेट लेंगे। थोड़ा इसको प्रेशर से टाइटली लपेटना है ताकि अंदर दबे कपड़ा। देखिए मैंने वापिस आ रही हूँ, ये मेरा थ्रेड बार बार तंग कर रहा है। मैं अभी इस पर थोड़ा टाई वो जो पक्के वाला थ्रेड लगा लेती हूँ। ये किनारे वाली प्लेट लेने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप कलर करोगे ना नीचे टच नहीं होगा। ये मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको रफली ऐसे अंदाजे से, और अगर आप चाहो तो मार्कर या पेंसिल का कोई निशान भी लगा सकते हो। दोनों कलर्स को हमने मिनिमम थोड़े थोड़े ड्रॉप्स डाल के डाइल्यूट करना है, क्योंकि दुपट्टा ऑलरेडी हमारा भीगा हुआ है। तो ये हम कलर जो है ऊपर से थोड़ा थिक थिक कलर लगाते जाएंगे चारों तरफ घुमा के, और उसके बाद फिंगर से अपनी प्रेस करेंगे इसको ताकि कलर अंदर की तरफ जाए, जो बॉटम वाला पोर्शन है उस पर भी अंदर कलर पेनिट्रेट हो। इस तरह रोल करते जाएंगे। आप डायरेक्ट अगर टेबल पे रखते हैं तो टेबल है या पॉलीथीन है तो वो थोड़े गंदे होते हैं, आप पॉलीथीन पे भी कर सकते हो, और बाद में सूखने के लिए जिस पोजीशन में कलर के उसको वैसे ही वहाँ पे स्टेबल रख दो। आजकल ह्यूमिडिटी है, बारिश बहुत आ रही है, तो दुपट्टा पूरा दिन में सूखता ही नहीं है, है ना, बाकी कपड़े भी नहीं सूख रहे। तो स्प्रेड कर दिया, अब मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी ताकि हमारा कलर अंदर तक चला जाए। अब ऑरेंज को हम थोड़ा और फाइनली अप्लाई करके ग्रीन कलर करेंगे सेंटर में, तो क्योंकि फ्लैग है, फ्लैग की तरह दिखना है तो हम वाइट ही रखना है हमें। ये लाइट शेड लिया मैंने, ऑरेंज एंड लाइट शेड फेविक्रिल के कलर्स हैं। देखिए इसको भी प्रेस करेंगे। इस पर दो बार मैंने एक पक्के वाला थ्रेड है उसको भी रोल कर लिया है, तो 4 राउंड हो गए मेरे लेफ़्ट से राइट करके। अब जिस पोजीशन में ये है हम उसे वैसे ही सूखने रख देंगे, क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही, नहीं तो आप बाद में धूप में भी इसको जाके रख सकते हैं। देखिए जो कलर बचा था मैंने अप्लाई कर दिया ऊपर, कहीं पे आपने घुमा के देखना है वाइट हो तब भी करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी दुपट्टा थोड़ा थोड़ा गीला है, लेकिन फिर भी मैं खोल के दिखा रही हूँ। हमें इसके थ्रेड्स हैं ना बीच बीच में कहीं से काट लेने हैं, पर इतने ध्यान से काटना है कि कोई कपड़ा ना आ जाए बीच में, हाथ से पकड़ के उसको, क्योंकि टाइटली बंधा हुआ है तो कटता भी थोड़ा इजीली नहीं, लेकिन बड़ी केयरफुली काटना है आपने कैंची की नोक से। और आप चाहें तो किसी चीज़ से उसको थ्रेड को ऊपर उठा भी सकते हैं, मैं यहाँ हाथ से पकड़ के, और क्योंकि अभी दुपट्टा गीला है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वाइट पोर्शन पे मेरे कलर वाले हैंड्स ना लगें। दुपट्टा सूख जाता है समर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए आप पाइप को रोल भी कर सकते हैं और थ्रेड खुलता जाता है इजीली। ग्रीन कलर वाला तो ऑलमोस्ट खुल गया, ऐसे ही हम वाइट और ऑरेंज भी खोल देंगे थ्रेड्स। जब अच्छी खिली धूप निकली होती है तो आप अगर जो कलर करते हैं तो उसका इम्प्रेशन और ज़्यादा अच्छा आता है। अभी दुपट्टा गीला है तो उसमें अंदर भी स्प्रेड हो जाता है, तो लाइन का इम्प्रेशन थोड़ा कम विजिबल हो जाता है। ग्रीन कलर का थ्रेड भी हमारा खुल गया। अब हम दुपट्टे को सारा थ्रेड खोल दिया, अब हम दुपट्टे को रॉड से खोलेंगे। अब इस पर थोड़ा सा केयरफुल रखना पड़ेगा हमें। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी दुपट्टा गीला है और चिपका हुआ है तो कलर आपस में मिक्स हो सकता है। धीरे धीरे से इसको खोलते जाएंगे दुपट्टे को, है ना। ये देखिए आपस में स्टिक हुआ हुआ है अभी। हल्का सा भी वाइट पोर्शन पे ऑरेंज या ग्रीन का कलर लग गया तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए इसे खोलने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। देखिए मेरा एंड आ गया। आप देख रहे हो कि किनारों पे कलर डार्क है और इसमें वाइट वाइट ज़्यादा दिख रहा है कपड़ा, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। टाई एंड डाई है, ये देखिए वाइट और शेडेड शेडेड हो गया ना, और एंड में आप देखेंगे कि उसमें लाइंस नज़र आएंगी जो हमने थ्रेड बांधा था। तो वैसे दुपट्टा सूखा होता है, अभी मैं इसे थोड़ा सुखाऊंगी फ्रेंड्स, और उसके बाद आयरन करेंगे तो ये रेडी है हमारा। 24 आवर्स के बाद आयरन करना है। आप कुछ भी इससे डाई कर सकते हैं, स्कार्फ भी। थैंक यू फ्रेंड्स।